open, I feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं अपनी इस छोटी सी बालकनी का मेकओवर वीडियो, जिसको हमने बहुत ही कम बजट में कुछ DIY करके डेकोर किया है। उम्मीद करते हैं आज का ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी बालकनी है बहुत ही ज़्यादा छोटी है और इस पर हम काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए। सो कहने का मतलब है, जानकर हमने इस बालकनी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें आप लोगों से इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाना था। अब भाई देखिए, अगर हम इस बालकनी को थोड़ा मेंटेन करके रखते, डेकोर करके रखते, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन में इतना डिफरेंस नहीं नजर आता है। सो चलिए, अब हमने अपना काम करना शुरू कर दिया है। फ्लोर पे जितने भी पॉट वगैरह रखे हुए थे, जो भी सामान थे, उसे हमने शिफ्ट कर दिया है दूसरे साइड पे, और बालकनी में जो वॉलपेपर लगा हुआ है सबसे पहले हम उसे निकालेंगे। एक्चुअली हमें अपने घर में शिफ्ट हुए हो रहे हैं अराउंड 2 से 2.5 साल, तभी यहाँ पे हमने वॉलपेपर को लगवाया था, और बारिश की वजह से ऑलमोस्ट ये नीचे का निकल चुका है, जिसको हम पूरी तरीके से अब निकालने वाले हैं। इसका डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, लिंक आई बटन पे डाल देंगे, देख लीजिएगा। वैसे निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, पूरे वॉलपेपर पे पानी डाल देंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। एक्चुअली ये जो हमारी बालकनी है ड्राइंग रूम से अटैच है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नजर आ रही है। और जब भी कोई हमारे घर गेस्ट आता था ना, तो हम कर्टेन को स्क्रॉल कर देते थे ताकि उसकी नजर ना जाने पाए, लेकिन अब स्क्रॉल करने की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का जो मेकओवर हुआ है ना, बहुत ही डिफरेंट तरीके से किया है। अब ये वीडियो देखने के बाद आप लोग हमें बताइएगा कि कैसा लगा। तो देखिए, 2 मिनट हो चुका है और यहाँ का वॉलपेपर कितना ईजिली निकल जा रहा है। पूरा वॉलपेपर निकालने के बाद नीचे वाला जो पोर्शन था काफ़ी गंदा था, जिसको हम ब्रश की हेल्प से क्लीन कर रहे हैं, और इसे हम फिर वॉश करके छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, तब हम इस पर करेंगे पेंट। अच्छा, एक और भी रीज़न है इस बालकनी का सबसे ज़्यादा गंदा होने का, क्योंकि हमने अपनी मेट पे छोड़ दिया था। जब मॉप करती थी, यहाँ से पानी लेती थी और फिर पानी को ऐसे ही फ्लोर पे डाल के वाइपर भी नहीं करती थी, जिसकी वजह से जो भी प्लांटर्स की सॉइल थी वो गिरते गिरते फ्लोर पे जम गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा गंदा हो गया था, जिसको हमने रब करके अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। अब यहाँ पे करने जा रहे हैं हम पेंट। तो पेंट करने से पहले जो भी सीलन वाली स्पेस होती है, एरिया होता है, उसको आयरन शीट की हेल्प से निकाल देना होता है, नहीं तो फिर क्या होता है, पेंट के साथ फिर वो निकल जाता है। अब इस एरिया पे हमें ज़्यादा वॉल पुट्टी सैंडिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, क्योंकि वॉलपेपर निकालने के बाद एज इट इज़ हमें वॉल मिली। तो सिंपल यहाँ पे वाइट पेंट का यूज़ कर रहे हैं, कलरफुल नहीं करना है, क्योंकि वो आपको आई की वीडियो में खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए, पहला कोट करने के बाद हमने इस पर दूसरा कोट किया। तो देखिए, पूरी बालकनी को पेंट कर लिया है, अब इसे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। जब तक ये ड्राई हो रहा है, तब तक हम आ गए हैं साइकिल की दुकान, और यहाँ से हमने ख़रीदा है ये 3 पुरानी रिम जो हमें पड़ी है 300 रुपये में। अब हम इसे करने वाले हैं पेंट। तो पेंट करने के लिए ऑयल पेंट हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, इसको हम करने वाले हैं मल्टी कलर्स में। तो सबसे पहले हम इस पर करेंगे ब्लू कलर, उसके बाद करेंगे येलो, देन रेड। अब देखिए, ऑयल पेंट का हम ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं, एक तो ये सस्ता मिलता है, एंड दूसरा इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। भले ही थोड़ा टाइम लगता है ड्राई होने में, लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। हाँ, थोड़ा इससे गंदा ज़्यादा होता है, प्रिकॉशन लेना पड़ता है, लेकिन अब थोड़ा सस्ता मिलता है, चीज़ अच्छी मिलती है, तो कोई बात नहीं, इतना सहने को बनता है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ों से झंझट से दूर रहना चाहते हैं, तो स्प्रे पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, व्हील को कलर कर चुके हैं, अब हमने यहाँ पे लिया है प्लाईवुड, तो इसको हम पेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इस पर मास्किंग टेप। ये प्लाईवुड का साइज़ है 9 फीट, तो सबसे पहले हम इसको 2 शेड में पेंट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम कट करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए एक साथ ये 2 in 1 काम होने वाला है। अब ये जो हमारी बालकनी है, इसका थीम हमने सोचा है ब्लैक एंड वाइट, इसी के साथ साथ कुछ कलरफुल चीज़ों से उसको हम इन्हेंस करने वाले हैं। तो देखिए, मास्किंग टेप लगाने के बाद अच्छी तरह से प्रेस कर लें, ताकि पेंट इधर उधर स्प्रेड ना हो। तो देखिए, यहाँ पे हमने अगेन ब्लैक ऑयल पेंट का यूज़ किया है, इसके दोनों आउटर साइड को ब्लैक से कर रहे हैं, बचेगा बीच वाला पोर्शन, उसको वाइट से पेंट करेंगे।
अब ये जो हमारा DIY है थीम को देखते हुए हमने इस पे ब्लैक एंड व्हाइट से पेंट किया है, ये आपकी चॉइस है, जो भी पेंट करना हो कर सकते हैं। तो देखिए पूरा पेंट करने के बाद लास्ट में हम मास्किंग टेप को निकाल के रख देंगे इसे पूरे 24 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तब हम आगे का काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट DIY के लिए लिया है ये PVC का प्लास्टिक ड्रेनेज पाइप, तो इसको भी हम ऑयल पेंट से पेंट कर रहे हैं। घर में शिफ्ट होने से पहले जब वुडवर्क हो रहा था तो बची कुची बहुत सारी लकड़ियाँ निकली थी जिसको हमने रख लिया था, और इस तरह से बहुत सारे DIY किए थे, जैसे कि ये वुडन प्लांटर स्टैंड बनाया था, तो 2 साल पहले का ये बना हुआ है, काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसको भी साथ ही साथ हमने ब्लैक ऑयल पेंट से पेंट कर दिया है। अब हम यहाँ की रेलिंग को पेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी प्लांटर्स हैंग किए थे उसको हमने लैडर पे हैंग कर दिया है, क्योंकि ये बहुत साल पुराने हैंगिंग प्लांटर्स हैं, फेडेड हो गए हैं, तो वापस से इसे हम यहाँ पे हैंग नहीं करने वाले हैं। तो देखिए जो भी पेंट वाला काम था एक एक करके हमने उसे कम्प्लीट किया। तो जब भी हम किसी जगह का मेकओवर करते हैं सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि वो जगह कितनी साफ सुथरी है। अगर पेंट की ज़रूरत है तो हम पेंट करते हैं, क्लीनिंग की ज़रूरत है तो क्लीनिंग करते हैं, और अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, डायरेक्ट डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, तो भाई फिर वो खूबसूरती बिल्कुल भी कहीं से नजर नहीं आने वाली है। एंड चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट DIY शेयर करते हैं। ये है कुछ पुराने कप जो सारे क्रैक हो चुके हैं, तो इसका बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप रीयूज कर सकते हैं। सारे कप को मल्टी कलर्स में पेंट कर लें, जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। सारे कप को पेंट करने के बाद इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। अब यहाँ पे लिया है कुछ पुराने आर्टिफिशियल फ्लावर, तो इसका भी हम रीयूज करने वाले हैं। एक एक फ्लावर को कट करके इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमें इसके लिए चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा सा पानी डाल के एक थिक पेस्ट बना लेंगे। अब इसी पेस्ट को डाल देंगे कप में। देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये विद इन सेकेंड फ्रीज होना स्टार्ट होने लगता है, तो मेक श्योर जब भी आपको DIY इस तरह का करना हो तो साथ ही साथ फ्लावर्स को जो कट करके हमने निकाला है उसे सेट करके रखते जाएं जिस तरह से हम कर रहे हैं, उसके बाद ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाता है। अब आप इसे आराम से कहीं पर भी डेकोर कर सकते हैं। तो देखिए पूरे में सेट करने के बाद हमने ये सारे फ्लावर्स को वॉश कर दिया है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट काम करते हैं। तो जो प्लाईवुड हमने पेंट किया था तो इसको हम लगाने वाले हैं इस वॉल पे, जहाँ तक टाइल्स है वहाँ तक हमें इसे लगाना है। एक्स्ट्रा बचे प्लाईवुड को यहाँ वुड कटर की हेल्प से कट कर रहे हैं। मेरा ये वाला जो वुड कटर था इसका ब्लेड बिल्कुल भी शार्प नहीं था, काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई और परफेक्ट तरीके से कटा भी नहीं, कोई नहीं। अब ये जो बचा वाला कट पीस था इस पे हमने इस तरह से बालकनी लिख दिया, और फिनिशिंग के लिए इसके दोनों साइड ब्लैक सेलो टेप लगा दिया इस तरह से। अब हमें इसको वॉल पे हैंग करना है, तो इसके मिडिल पे लगा रहे हैं हुक। ये हमारे पास पुराना वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ था, तो इसका भी हम करने वाले हैं DIY। ऊपर वाले पोर्शन को कट करके निकाल दिया है। अब इसके शार्पनेस को खत्म करने के लिए आयरन की हेल्प लिया है। इसके ऊपर वाले एरिया पे ब्लैक स्प्रे पेंट कर रहे हैं और नीचे वाले पोर्शन में करेंगे गोल्डन पेंट। अब हम इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। ये है हमारा DIY ग्लास विंड चाइम्स, इसका वीडियो ऑलरेडी हम आप लोगों से शेयर कर चुके हैं, वीडियो लिंक आई बटन पे डाल देंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। तो देखिए ऊपर वाले कैप को खोलने के बाद नीचे से होल्डर हमने लगाया है और ऊपर से वायर को निकाला है। अब इस वायर को इसमें इंसर्ट कर देंगे। कितना बेहतरीन जुगाड़ करके ये खूबसूरत सा शैंडलियर बना लिया। एक तो ये विंड चाइम्स का काम करेगा और दूसरा शैंडलियर भी बन गया। इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से हमने इसे हैंग करवा लिया है। अब जहाँ जहाँ हमें ड्रिलिंग का काम करवाना है साथ ही साथ वो भी हमने करवा लिया है। प्लाईवुड के साइड में हम लगा रहे हैं ब्लैक सेलो टेप, ये किस लिए लगाया है आगे के वीडियो में वो पता चल जाएगा। और इस तरह से इसके पीछे भी हुक लगा दिया है, इसको हम हैंग करने जा रहे हैं मिरर के जस्ट साइड वाली वॉल पे। और इस तरह से हैंग करने के बाद बची ऊपर वाली स्पेस, तो यहाँ पे जिस पे हमने बालकनी लिखा था उसको हम लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों प्लाईवुड पे ब्लैक सेलो टेप इसीलिए लगाया था ताकि हम इस पे इजिली कोप लाइट को स्टिक कर सके, क्योंकि ये जो लाइट होती है स्मूथ सरफेस पे स्टिक होती है। अब प्लाईवुड के बीच बीच में हम होल करवा रहे हैं और ये जो हैंगिंग हुक है इसी को ही हमने 9-9 इंच के गैप पे लगा दिया है इस तरह से।
अब ये बालकनी की दूसरी वाली वॉल है, यहाँ पे हमने तीन होल पहले ही करवा लिया था इस तरह से। अब ये जो तीनों रिम है जिसको हमने मल्टी कलर से पेंट किया था, इसको हम लगाने वाले हैं इस वॉल पे। और इसको लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, व्हाइट सीमेंट का एक थिक पेस्ट बना लिया है, होल के ऊपर साइड थोड़ा सा रखा है ताकि जब हम पुश करें तो व्हाइट सीमेंट उसके साथ साथ अंदर चला जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए जितना भी डस्टिंग और ड्रिलिंग वगैरह का काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बेसिन मिरर टाइल्स को क्लीन कर रहे हैं। क्लीनिंग भी हमारी हो चुकी है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं डेकोरेशन का काम। तो सबसे पहले हम ये जो प्लाईवुड पे हुक लगवाए थे ना स्पेशली कप को हैंग करने के लिए, तो एक एक करके हम सारे कप को यहाँ पे हैंग कर रहे हैं। अब देखिए बेसिन के नीचे वाला जो पाइप है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हाइड करने के लिए हमने इस ड्रेनेज पाइप को खरीदा, ब्लैक से पेंट कर दिया। अब इसको ऊपर फिक्स करके हमें लगाना है, नीचे हमने कुछ जुगाड़ करके इस तरह से हमने इस पर फिक्स कर दिया है। अब इसको ज्वाइन करने के लिए लिया है एम सील हार्डवेयर शॉप से 10 रुपये में, और उसी की हेल्प से हम इसे स्टिक कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से दोनों को ज्वाइन कर दिया है, 10 से 15 मिनट लगेगा उसे ड्राई होने में। तब तक ये रेलिंग के ऊपर साइड एक रॉड लगवाया था डेकोरेशन के पर्पज से, तो उसी को ही हम यहाँ पे क्रीपर से डेकोरेट कर रहे हैं। इतना काम करते करते रात होने लगी थी और रात होने का हम वेट भी कर रहे थे क्योंकि हमें फ्लोर को पेंट करना था। पेंट करने से पहले हम इस पाइप को चेक कर रहे हैं ज्वाइंट हुआ है या नहीं, अच्छी तरह से ज्वाइंट हो चुका है। नीचे स्पेस इसलिए छोड़ा है ताकि जब हम फ्लोर को वॉश करें तो इसलिए पानी निकल जाए। अब देखिए बालकनी में ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड करके दी गई थी जो हमें बिल्कुल भी नापसंद है। इसको अगर हम तोड़वा करके नहीं लगवाते तो बजट काफी लंबा बैठता, और ये बात आप सभी को पता ही है कि हम कोशिश करते हैं कम से कम बजट में आप तक पहुंचाने ताकि आप भी उसे इजिली कर सके। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ के बॉर्डर को ब्लैक से पेंट किया, उसके बाद अब हम इस फ्लोर पे क्रिएट करने वाले हैं शतरंज जैसा लुक जो बहुत ही ज्यादा हमें पसंद आया है। पूरा बनने के बाद आप लोग खुद ही देखिएगा क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट थीम हमने रखा है और इस थीम को देखते हुए ये बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। मैक्सिमम लोग बालकनी में ग्रास मैट लगाते हैं लेकिन इस वाले एरिया में हम ग्रास मैट नहीं लगा सकते थे क्योंकि मेड भी यहाँ से पानी लेती है और बेसिन भी लगा हुआ है तो पानी वाला काम ज़्यादा होता, वॉश वगैरह कैसे करते हैं अगर ग्रास मैट डाल देते, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम फ्लोर पेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो पेंट का यूज़ कर रहे हैं ये है ऑयल पेंट, एनामेल पेंट इसको बोलते हैं, हार्डवेयर शॉप पे बहुत ही इजीली मिल जाता है कम बजट में। ऐसे तो फ्लोर पेंट स्पेशली मिलता है लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है, इससे बेहतर है कि आप टाइल्स तोड़वा करके दूसरा लगवा ले। तो इसलिए हमने ऑयल पेंट का यूज़ किया, कम बजट में काम भी बन गया और जब कभी हमें फ्यूचर में चेंज करना होगा तो इसके ऊपर दोबारा से हम दूसरा डिज़ाइन पेंट कर सकते हैं। तो देखिए पूरा पेंट हो गया है, अब ये पूरी तरह से सूख जाने के बाद फिर हमने नेक्स्ट डे काम किया, नेक्स्ट डे क्या दूसरे दिन काम किया जो बाकी का डेकोरेशन था। ये हैंगिंग गारलैंड है जिसको हमने लोकल शॉप से खरीदा और ये आर्टिफिशियल यहाँ पे प्लांट रख दिया है, उसके बाद ये वुडन शेल्फ जो पेंट किया था एक एक करके इस पे लाइव प्लांट रख रहे हैं, और इस तरह से हमारा पूरा मेकओवर कंप्लीट हो चुका है। एंड चलिए अब दिखाते हैं फाइनल मेकओवर। We've got the liberty to set us free.
देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे वो मैं हूँ या फिर आप हो, छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, अगर आपने बनाया है तो उसकी एक अंदर से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुशी मिलती है कि वाह, ये मैंने बनाया है। कहने का मतलब ये है कि आप आराम से मार्केट से भी वो चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन उतनी खुशी नहीं आएगी जितनी खुशी आप खुद उस काम को करोगे, बनाओगे, सजाओगे। अब देखिए दोस्तों, ये बात आप सभी को पहले से ही पता है कि हम जो काम करते हैं हमें खुद करने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ना कि हम जब बाहर से कोई काम या सामान खरीदते हैं उतनी खुशी नहीं मिलती है जितना हमें खुद अपना काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे कहीं ज़्यादा वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने में हमें खुशी मिलती है, सच में, यकीन मानिए। और जब भर भर के कमेंट्स एंड लाइक आते हैं जिसे मैं पढ़ते ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, खुशी मिलती है, मेरा दिल बाग बाग बहार हो जाता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए भाई, ये था आज का हमारा छोटा सा बालकनी मेकओवर वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। चैनल पे मेरे कोई नया आया है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि होम्स रिलेटेड आप सभी को वीडियोस मिलती रहेगी। आज का ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।